चारों तरफ वो नाग देख रहा है, दूध भरा हुआ है, क्या किया? अरे कर जोर शोर जब धायो, अरे कर शोर जब जहरी धाओ, हर नहदन में गोता खाओ। दोस्तों ध्यान रखना, खानदानी नाग था। जब दूध उसने पिया तो फिर तो दावा सब भूल गया, क्योंकि जिसका खा लिया जाता है उसके ऊपर हमला तो नहीं किया जाता। जब ये लौट करके आया, महाराज बासक ने पूछा कि कहो काम कराए हो? कहने लगा, महाराज माफ कीजिए, काम तो मैं करके नहीं आया। क्यों? महाराज हमें वहां पीने को दूध मिला। सोच समझ चल दो शेष ढिग गहो सी सदन नाओ, जात जो कछु बीतो हाल रे बासिक को सब समझाओ। महाराज नादों में गोता खा करके मैं लौट आया हूँ, जिसका मैंने सुंदर दूध पिया उसे कैसे खाएं? अब तो बास की धमनियों का गरम गरम खून उबल पड़ा, दोस्तों आंखों में लोह के कतरे आ गए। अरे कमीन की औलाद, बास करी सजब भाओ श्राप दे दो, देर ना लाओ देर ना लाओ, तुई मोह को हुई जाइए दो गला जाओ, तुई मोह को हुई जाइए दो गला जाओ। जा तू दो मोह का हो जा, दोगला है तू तो। दो मुहिया सांप तो देखा होगा, उसे क्या बोलते हैं? कहीं भी किसी प्रांत में या किसी जिला में कुछ भी बोला जाता हो उसे अपने यहाँ तो कुछ लैंड बोलते हैं। तो ये श्राप से हो गया, पुनः उसने बीड़ा रखवा दिया। कोई चबा ले इसको। दोस्तों ताखा बैठा हुआ था, तक्षक ने कहा कि चिंता ना करो, मैं चबाऊंगा बीड़ा। तक्षक ने वो बीड़ा चबा लिया। अब कथा जहां हो रही है, श्री सुखदेव जी भागवत सुना रहे हैं, तक्षक वहां के किसी न किसी रूम में चक्कर देने लगा। कथा दे चित्त रात को नित महल में आवे, जह तरह तरह ते नांग सुता समुझावे। जब परिचल लाल शाम को आते हैं
कहती है पिया नाग सुता ने कही सुनो पति सही तुम्हें समझावे मेरे वीरन आओ महल अकली बदलावे मेरा वीरन महल में आ रहा है दचक अरे आनंद पलिंग पे कीजे और कोई चीजे हो मत लीजे मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा भाई तक्षक महल में आ चुका है। आप कृपा करके सावधान रहें। महारानी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। फिर भला मुझे डरने की क्या जरूरत है? मुझे कोई डर नहीं। आओ, निश्चिंत होकर आप मेरे पहलू में सो जाओ। मैं फिर से आपसे कह रही हूँ कि आप जमीन पर पैर ना रखें। ध्यान रखना दोस्तों, इधर तो नवल दे अपने पिया के साथ सो गई है परीक्षित लाल के, लेकिन कहाँ सोई है मालूम है? ए सोचे नवल दे अपने मन में पिया को कहां ले दुबकाए और घात लगाए भैया डोले क्या से नाई में बसाए। ए राम सुमिर के पद बिरताने जल में महल करो तैयार के नागानों को तक ढिग महलन में पहुंच जाए। इधर नाग जो है बड़ा सुंदर फूल बन गया। परीक्षित धाओ कर में लीनो फूल उठाए और फूल उठाए धरो पॉकेट में सोयो रंग महल में जाए। रात झमारी आए और फूल से नांग तो बनियो तो छाती से बैठियो जाए। छाती पर बैठ गया और सूरत देखी जब दो उनकी दिल में सोची सोची रह जाए और भैंस नींद बस जब वे दोनों आधी रात हमारी आए और मन में सोचत है अब तक चोरी ना बिगाड़ी जाए और हुकुम पिता को कैसे तारे दिया लहर लहर
ध्यान रखना दोस्तों, तक्षक ने महाराज परीक्षित की नाक में डस। क्या हुआ? क्या बात है, ये तो सुबह 4 बजे ही चारपाई छोड़ दिया करते थे, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया? हे भगवान, खाई भूप को छुप गओ, तच्छक बेईमान, प्रात होत बिटिया जगी बको गओ पति पे ध्यान। जो सुबह हुआ नवलदे की नींद टूटी है, जो पिया को देखा है तो दोस्तों चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। क्या सोचने लगी, मम प्राण पति जागे नहीं, आज खून निदिया सो रहे, क्यों गाफिला छाई पिया पे, जहर में क्या भोई गए। क्या बात है, ये तो 4 बजे चारपाई छोड़ देते थे, आज इतना समय हो गया हमारे प्राणेश्वर की नींद नहीं खुली, कारण क्या है? लेकिन समझ गई वो चतुर, मानो बाबुल ने को पिखे वीरन दियो पठाई के, रोबे सुता बसे सकी, दुख कौन बरने गाई के। छाती फटत है रोज सुने, सब तनु गओ मुरझाई के, किस बात से वरन न करू, दुख से रही घबराई के। क्या हुआ, हमारे वीरन ने मेरे पिया को डस लिया है? दोस्तों एकदम से मुंह पे मुंह रख करके आ नवल दे फपक फपक के रोने लगे, मेरो वीरन बेरी भयो, पिया पापी ने डस खायो, रोबे छाती फार नवल दे नार ने न जल डारे, धरती सो मारे हाथ रे कहर से पंचो भारे। लगी
महाराज धन्वंतर के लिए नबलदे ने खत भेजा है कि जल्दी आकर के मेरे पति के बदन से जहर को खींच लो। बाबा जी प्रणाम, आपके लिए ये खत आया है। हमें शीघ्र ही प्रेषित को जीवन दान देना है। धन्वंतर जी चल देते हैं परीक्षित को जिंदा करने। अरे अब धन्वंतर बाचत खत के फोर नहीं चल दिए। तक्षकन अंगारी आई के तमाशे कैसे किए। देखिए इधर धन्वंतर जी बड़े बेग के साथ चले हैं और इधर तक्षक आगे आकर के क्या देखता है, क्या करता है। महाराज संग में 1400 चेला और मन में सोच विचार खेल जन अद्भुत ही खेला। भैया हाथ का मंडल और माथे में टीका लग रो है। क्या के हाथ का मंडल है पाइन में खड़ा चल रहे। क्या के हाथ का मंडल है माथे में टीका तो लग रो है।
लगा लो है माथे पे तिलक लगा लो है जाके हाथ कमंडल है माथे पे तिलक आ गया तक्षक सामने गुरुजी बड़े बेग के साथ जा रहे थे तक्षक ने कहा महाराज को प्रणाम आयुष्मान भव महाराज बड़ी तेजी से जा रहे हो कहाँ जा रहे हो मैं परीक्षित जी को देखने जा रहा हूँ तक्षक ने उसको डस लिया है महाराज आप एक बात नहीं जानते हो जिस नाग ने परीक्षित को डसा है वो इतना जहरीला नाग है कि अपनी खुशकार से सामने जो बरगद वृक्ष का पेड़ खड़ा है उसे जलाकर राख कर देगा दही के धोके चूना ना चाटिए श्रीमान जी अरे नादान शायद तू मुझे नहीं जानता मैं धनवंतर हूँ मेरी नजर जहाँ तक भी पहुँचती है कितना भी जहरीला सांप हो उसके जहर का असर मेरे सामने नहीं टिक सकता धनवंतर जी कोरी प्रशंसा सुन के मुझको हंसी आ रही है मैं ही वो नाग हूँ जिसने परीक्षित को डसा है तू ही है वो मैं तेरे जहर को निचोड़ दूंगा आप मेरा जहर निचोड़ेंगे है आप मेरा जहर बाद में निचोड़ना पहले आपकी और हमारी बाजी लग जाएगा क्या बाजी लगाएगा तू बाजी बाद में देखूंगा पहले परीक्षित को देखूंगा तच्छा कहने लगा है हम ताल ठोकते साते हैं और तुम गाल बजाते जाते हो करकसा औरत नकी नाई चेतक निकलाते जाते हो करकसा ए ओ बाबा 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 करकसा औरत की नाई चेतक दिखलाते जाते हो अगर हिम्मत है तो गाल न बजाओ मैं फुसकार मारता हूँ अगर बच्चों को तुम हरा कर दोगे हम समझ लेंगे जरा जरा नजर घुमा दीजिए जरा नजर घुमा दीजिए खुशकार मेरी आ रही है हाँ जरा नजर घुमा दीजिए खुशकार मेरी आ रही है हाँ इतना कह करके तक्षक ने फुसकार मारी वृक्ष जल के राख हो गया पेड़ ही नहीं चौतरफा का वो खग मंडल बेहाल हुआ पर धनवंतर की नजरों से वो हरा भरा तत्काल हुआ महाराज की नजर पड़ी है वृक्ष पुनः हरा हो गया अब तो तक्षक समझ गया जे वहां जाएंगे तो महात्मा के श्राप के साथ साथ हमारी भी ताकत को कम करेंगे तो दोस्तों ध्यान रखना आगे बढ़ाए तक्षक हालांकि नहीं पता धनवंतर जी को कि मेरे साथ विलक्षण धोखा होने वाला है और क्या किया है उसने अरे हुयो अंतर ध्यान रहा मैं लोटा सुंदर मार्ग में बन गो तक्षक सोटा महाराज
के धन मंत्र लियोई उठाई, सोटा से बन के नांग गुरु जी ले पीठ में खाए। हुई ऐ दगा न समझ पाई कैसी हुई गई, अरे हुई गई दगा न समझ पाई कैसी हुई गई, हाँ भैया हुई गई है दगा न समझ पाई कैसी हुई गई। जो गुरु जी को पीठ में खाया, क्योंकि गुरु की जहां तक नजर पड़ती वहां तक जहर नहीं रहता था, लेकिन पीठ पर नजर कैसे जाए। धनमंतर जी समझ गए, धनमंतर ने कही दगा हुई गई, सुनो मेरे चेला महदेव मांद में गाड़ी न करो झमेला। ऊपर ढांक बजाई, घबराने की जरूरत नहीं है, अपने चेलों से बोले धनमंतर जी, ऊपर ढांक बजाई रहे समझाई, हाय लगाइयो हेला मेरो तीन मास में करियो दर्शन मेला, मेरो तुम्हें करियो। अब हमें जल्दी से मात में गाड़ दीजिए। दोस्तों ध्यान रखना को उसी वक्त चेलों ने माद में गाड़ दिया गुरुजी को, और ऊपर ढांक बजाने लगे और कैसे गाने लगे, ठंडी ठंडी ब्यारी चले पोरवाई झोंके जैसे बैंगन हाथी हो, अरे लहरी लहरी बिसु हो नींद अब बज रही है भैया। ठंडी ठंडी प्यार चले पुरवाई झोंके जैसे बैंगन हाथी हो, अरे लहर लहर मिसे हो नींद भेरों भर आई, तुम खेलो तुम खेलो तुम खेलो नागिनी के जाए, तुम आंसर तुम दाना करो, ठंडी ठंडी प्यार चले पोरवाई झोंके
दिया नतीजे बोरे मनाऊं बड़ी बात सेवा ना चूकू सेवा चूकू बोरे मनाऊं चूकू दसऊ बात जाऊ कुर के भान से सौ बरे धाम रे अन्नते धुंध भये धुंधते लीला साय लीला साय तो दुर्गा साय दुर्गा साय से सुन देवता काम तो शुरू हो रहा था दोस्तों, लेकिन तब तक तक्षक आ गया, कहने लगा ये ढाल कैसी बजा रहे हो? गुरुजी अंदर हैं। अरे मूर्खो, गुरुजी की लाश को सड़ा रहे हो? अरे अब ये जिंदा कहाँ है? इनकी लाश को बाहर निकालो, नहीं तो वो गल जाएगी। दोस्तों जो इतने वचन सुने हैं, चेला घबरा गए, उसकी चंडाल चौकड़ी में आ गए और गुरुजी की लाश को उखाड़ लिया। जो गुरुजी की लाश को उखाड़ा अरे मूर्खो ये क्या किया, अब हम बचेंगे नहीं, अब मेरा काल आ गया। अब एक काम करो, मेरे छोटे छोटे टुकड़े करके उसे खा जाओ, जल्दी करो। एकदम से सभी शिष्य लग गए गुरुजी के मांस को काट काट के हड्डियों में चढ़ा दिया। और जब ये मांस हड्डियों में चढ़ा दिया तक्षक आके कहने लगा, ये क्या हो रहा है? गुरुजी का मांस खा रहे हम लोग। चुल्लू भर पानी में डूब मरो कंबख्तो, जिन गुरुओं ने तुम्हें शिक्षा दी तुम उन्हीं का मांस खा रहे हो। इनको ले आगे नदी में बहा दो। महाराज का चेला तुरंत गए घबराए, और जितनी हरियां थी सब भैया समुदम गए घुमाए। क्या हुआ, हरियां जब समुद्र में फेंक देंगे? भूख
घुसे है के ताको चलो मिटो सब झगड़ो और हरियन को निक सुनो अंगारी रगड़ो। महाराज डूब गए कितनी चक्कर खाए और बहके हरिया एक लगी है बंगाल में जाए। बंगाल में घड़िया जाके लगी, एक औरत के पति ने उसे मार के निकाल दिया था। बगे हरिया पड़ गई हाथ खुशी बहुगात बड़ी हरसाई जन आम सको पहचान लो फिर खाई। औरत ने उस मांस को खा लिया। अरे खा तो खेन एक संग अनोखो रंग नजर में लाई नजर में लाई। है गई तुरंत प्रवीण रे खुशी अरे जादू छाई। आज उस औरत ने जिस समय मांस को खा लिया एक आज अनोखा रंग नजर में आया है। कैसा अरे कितनियों हाँ की नारी रे जादू में बड़ी होशियारी रे। इधर तो गुरु जी की हरियों का ये हाल हो गया कि बंगाले की एक औरत ने वो मांस खाया लेकिन उसने कई क्या बहुत सी स्त्रियों को ये बंगाले की विलक्षण कला सिखाई है। जादूगरनी बन के वो प्रवीण और दक्ष होती हैं। और इधर नवलदे पिया की लाश पर रो रही है कि गुरुजी जाने किसने बिलमा लिए अभी नहीं आए, अब मैं क्या करूं। मेरे नौजवान साथियों सोचने लगी है चलो मैं अपने पिया की लाश को लेकर के अपने बाबुल की कचहरी में चलूंगी। जा लगी उठा बन लाश रे पियाया बने पर हाल से हालत ना रे उठाए के जान देगी। सतज्ञ बाद सतबा दिन ने लीनी लाश उठाई। भैया घनैया एक सुंदर बाबे बानी लाश रखी। भैया सुंदर घनैया में लाश जब सैया की सैया की लेनी बाबुल के घर को चली। भैया लाश बानी घनैया में वो लाश उठा करके घनैया में रखी है। और नवलदे जो है सोच रही है कि मेरा बाप जो है मेरे पिया का जहर अवश्य खींच लेगा और चली है। छाती फाती जाय रही अकुलाए बड़ी घबरानी इत गंगधार में बहरो रे आथान पंचो पानी। काल न दहशत मानी न दहशत मानी जग उड़ रहे हो सहबास बड़ी घबरा। जग उड़ रहे हो सहबास बहुत घबरा। आज जिस समय ये अपने पिता के दरबार में पहुंची है धरती पर शीश पटक दिया और रोने लगी। पिताश्री आखिर आपने मुझे यह रंडापा क्यों दिया? क्यों मेरे स्वामी की जान छीन ली? उनका जहर उतार कर उनको जीवित कर दीजिए पिताश्री, उन्हें जीवित कर दीजिए। खामोश, तूने हमारी ही नहीं बल्कि पूरे नागवंश की नाक कटवा दी। अच्छा
उठाओ इसकी लाश को और जाकर पानी में फेंक दो और जाओ तुम यहां से। ध्यान रखना दोस्तों, आज इस तरह से जब लाश को फेंकवा दिया, जितने नांग थे सब बात बुरी लगी है, लेकिन बोला तो कोई डर के मारे नहीं। लाश उसने उठवाई और पुनः घनैया में रख ली है। पियाजी, ये तुम्हें कैसी नींद आ गई? एक बार आंख खोल के अपनी नवलता को तो देखो तो सही। आज तुम्हारी नवलता के साथ कोई भी नहीं है पियाजी, आंखें खोलो। हे भगवान, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? उठिए पियाजी, उठिए, उठिए पियाजी। ये तुम्हें कैसी नींद आ गई? एक बार आंख खोल के देखिए, देखिए पियाजी। समुद्र की पल्ली पार रे संग नहीं जाके कोई। समुद्र के पल्ली पार संग नहीं कोई। ले नंदन नदन को ना मुनवल दे रोई। अब कहाँ जाऊं मैं, अब कहाँ जाऊं अपने प्रिया को लेकर, अब कहाँ जाऊं? महाराज घनई समुद्र में डारी, पिया की लाश रेने तो धुक रही पंचो अंधियारी। भैया धड़ 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 बादल गरजत पृथ्वी देहलारी। यारो धड़ धड़ बादल गरजत बादिन पृथ्वी देहलानी। पृथ्वी देहलानी ददा मेरे पृथ्वी देहलानी। भैया धड़ धड़ बादल गरजे के उस दम पृथ्वी। ध्यान रखना दोस्तों, इस तरह से वो लाश को लिए हुए जा रही। अंधेरी रात है, अब तो बड़ी भयंकर दशा हो रही है। लेकिन दोस्तों, जब लाश पे बैठी हुई घनैया अंधेरी रात में लिए जा रही है, तो आज पिया के गले से लग करके कहने लगी, साजन अरे प्रीतम के बोले सुनाई दे। कैसी नींद आ गई तुम्हें? एक बार तो बोल दो कम से कम, अब तो मैं कहीं की नहीं रही। अरे सैयान के बोल रे सुनाई ने, और पापी ने को तो धीर रे बांधाई ने। अरे जब रोई करके सब दरे करारो, और तब लहासने के भरोए हूं कारो। घबरानी नार महाभैमानी। ध्यान रखना दोस्तों, कितना भयंकर वो दृश्य था। सच कह रहा हूं, मेरी तो जवान नहीं काम करती। जिस दम घबराई नार महाभैमानी, तब दही लाश हुंकार दिलासा लानी। महाराज नार
बंगाले पहुंची जाए लगी पार पे लहस पार पे उतरी रानी आए भैया राती अंधेरी आज हाथ पे हाथ में दिखत में पंचो राती अंधेरी आज हाथ पे हाथ में दिखत है बड़ी बुरी दशा हो रही है दोस्तों ध्यान रखना इधर तो नबल दे एक बात और बताऊं दोस्तों दुख में पहले तो नींद आती नहीं और अगर आ जाए तो बहुत विलक्षण आती पिया के पैरों पे सर रखे हुए नबल दे सो रही थी एक गंगनिया नाम की धोबिन जो थी वो वहां कपड़े धोने आई परीक्षत की सुंदरता को जब उसने देखा है तो दोस्तों ऐसी उसने चाल चली है बस धोबिन ने उस लहस को चुरा लिया जब इस दुखिया की नींद खुली है बिलखने लगी उसी बंगाले का राजा आता है और पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो जवाब दिया मेरा पति यहां से चुरा लिया गया अब तो उसे बड़ा भारी गम हुआ उसने सारी जादूगरियों को बुलाया सबके ऊपर कोड़ों की बौछार हुई लेकिन वो गंगनिया नाम की धोबिन नहीं आई तो एक धोबिन कहने लगी महाराज वो नहीं आई फौरन उसे बुलाया और बुला करके कहा कि ओरी नालायक जल्दी बोल लहास कहाँ है एकदम से जब मार पड़ी है तो उसने महाराज परीक्षत की लहास को दिया है लेकिन दोस्तों हुक्म दिया इसको जिंदा करो लेकिन जिंदा कौन करे किसी की हिम्मत काम नहीं देती है बड़े बड़े मंत्र चलाए हैं लेकिन सब जब नहीं किसी की पेश पड़ी नहीं लहर जहर की घाट भई तब होनहार को कहा करें राजा की देही तब होनहार को कहा करें महाराज की देही फाट गई जब होनहार को कहा करें राजा इस तरह से बदन उसका फाट गया इधर जनमेजय नाम का जो पुत्र हुआ है वो दिल्ली का नरेश बना एक दिन उसकी सभा में एक नौजवान आकर के कहने लगा कि महाराज मैं मर करके पुनः जिंदा हुआ हूं जनमेजय क्या सभी सभा के लोग कहने लगे तुम बिल्कुल झूठ बोलते हो जवाब दिया नहीं महाराज इस तरह से तुम्हारे पिता को डसने के लिए तच्छक आया इस तरह से धन्वंतर और तच्छक में भैंस हुई मैं उस समय उस वृक्ष पर लकड़ी काट रहा था तच्छक ने भुस्कार मारी पूरा वृक्ष जल गया धन्वंतर की नजरों से वृक्ष हरा हो गया और तच्छक ने तुम्हारे पिता परीक्षित को डस लिया जनमेजय की आंखों में लोहू के कतरे आ गए हमारे पिता को तच्छक ने डसा है उसी समय जनमेजय ने एक ऋषियों को बुला करके विलक्षण यज्ञ किया है और ये कह दिया है कि अब मैं देखता हूं कि मेरे बाप को डसने वाला ये नांग कैसे जिंदा रहता है
और दोस्तों जिस समय आहुतियां दी हैं तो मालूम है आपको, मन तन के आधार बाने असहार कुदरती छूटे, जब धर धर धरती कपी वज्र से टूटे। छाए तीनों लोक रही ना रोक, जगत सिर फूटे जगत सिर फूटे, जब पकड़ पकड़ बन नांग है मूंज से टूटे। अरे बासक नांग लोकत चालो और खानन को परियो है लालो, है जबर से पालो। अरे हट को यहां कठिन रे कसालो, अरे नांगन की बंध गई फेंटी और बचने की करत है कमेटी। अरे जब लगती है कुमर की सेठी और ये देते हैं जून सोए थी, ध्यान रखना दोस्तों, अष्टकुली को भेद सबन को छेद रे बांस के आए और अग्नि कुंड को घेर के चौद सा छाए। अब काऊ धब से प्राण न बचे ये बचाए, ए? इस तरह से जिस समय उसने आहुतियां दी हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना, अष्टकुली के नाग आकर के वहां उपस्थित हुए, लेकिन अफसोस की बात है कि तक्षक ने बासिक से कहा कि पिताश्री, अब हमारे प्राण बचना असंभव लग रहे हैं। देखो पुत्र, तुम सीधे इंद्रराज के पास जाओ, वही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। क्या हुआ? निगाह करिए जन्मेजा ने, लेकिन तक्षक मामा तो नजर नहीं आ रहे। जन्मेजा सोचने लगा, जब इतनी सुनकर कुमर रे मंगाए रही फौरन सामान। महात्माओं से पूछा कि मामा कहाँ है? महात्मा लोग कहने लगे देवराज इंद्र के सिंहासन में लपेटा लगाए, अब तो उसकी आंखों में खून उतर आया। जब इतनी सुनकर कुमार मंगाई लई सामा, इंदु रखो ली हम देख दुकाई लो मामा। महाराज फेर जन आउत दई अघाई, फूक दऊ सब नांग इंद्र से उसी समय जब आहुतियां दी हैं तो महाराज इंद्र का सिंहासन खींचने लगा। इंद्र सोचने लगे ये तो गजब हो रहा, फौरन ही इंद्र ब्राह्मण बन के सामने आ गया। महाराज की जय हो। आप यहां? आप एक कर रहे हो महाराज जी?
मुझे दक्षिणा मिलेगी कि नहीं? मांग लो। इंद्र कहने लगा, तक्षक के प्राणों का दान मांगता हूं। जनमेजय घबरा गए और कहने लगे, अरे देवराज इंद्र, अब ब्राह्मण भेष में हमारे सामने आए हैं और आप तक्षक के प्राणों का दान मांग रहे हैं। मैं दे तो रहा हूं, लेकिन पहले उस तक्षक को मेरे सामने कीजिए। दोस्तों, जो तक्षक को सामने किया, महाराज जनमेजय आगे बढ़े और जनमेजय ने तक्षक को इस तरह से सूंता कि उसे निर्विष कर दिया। ध्यान रखना, निर्विष करके दो छोड़ रे के तक्षक भैया मामा। सुन ले वरज हमारे और दोनों कुल आगे घूम बढ़ गए पर नाए लो तो ऐसा और तक्षक और इंद्र को लाकर प्रगट भय तेज भय माने और जहर सूत के जन्मेजय ने अपने बाप का बदला लिया।